हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पंचायत में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज के इस टॉपिक में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एटम्स, एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो विशिष्ट रूप से केमिकल एलिमेंट को डिफाइन करता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। इसमें एक या एक से अधिक रिलेटिवली हेवी पार्टिकल्स होते हैं जिसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में जाना जाता है। एटम्स फ्री फॉर्म में नहीं रह सकते, इसलिए वे आयंस और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और जो आगे चलकर बड़ी संख्या में मिल जाते हैं, जिसे हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और स्पर्श कर पाते हैं। एटम्स दिखने में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए उसके स्ट्रक्चर और बिहेवियर को पता करने के लिए बड़ी संख्या में प्रयोग किए गए हैं। इन प्रयोगों के परिणामों से हम एक एटम का काल्पनिक मॉडल का निर्माण करने का प्रयास करते हैं जो ओरिजिनल एटम की तरफ बिहेव करता है। मॉलिक्यूल्स में एक या एक से अधिक एटम्स होते हैं जो सहसंयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। एटम्स को सर्कल शेप्स द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिनमें हर एक के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन युक्त न्यूक्लियस होता है जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होता है। जैसा कि हम जानते हैं, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो एटम को अपना मास और पॉजिटिव चार्ज देते हैं। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इसका एक यूनिट मास होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है और इसका यूनिट मास भी होता है। एलिमेंट की एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर के बराबर होती है और एलिमेंट का एटॉमिक मास न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यदि किसी एलिमेंट के एटम में जीरो चार्ज है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट के तरह अरेंज रहते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम? एक एटम के लेयर जितनी कागज की पतली लेयर बनती है जब लाखों से अधिक एटम एक साथ मिल जाते हैं। एक अलग से एटम को मेजर करना लगभग असंभव है क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाना मुश्किल है। हालांकि एक एटम के साइज का अनुमान लगाया जा सकता है। एडजेसेंट एटम के बीच की दूरी एक एटम के आधे रेडियस के बराबर होती है। एटम के रेडियस को आमतौर पर नैनोमीटर्स में मापा जाता है। 1 meter = 10^9 नैनोमीटर होता है। जैसे हाइड्रोजन के एक एटम की त्रिज्या 10^-10 meter है। मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। मॉलिक्यूल्स किसी भी कंपाउंड के सबसे छोटी इकाई के रूप में डिफाइन किया जाता है, जिसमें कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने हैं। एक एटम के स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सब पार्टिकल के रूप में विभाजित कर डिस्क्राइब किया जाता है। एटम का मैक्सिमम मास न्यूक्लियस में होता है, जिससे एटम का मैक्सिमम हिस्सा खाली होता है। हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है जिसे जेड से इंडिकेट करते हैं, और एटॉमिक मास जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर होता है उसे ए से इंडिकेट करते हैं। फोर्सेस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स के बीच फोर्स वह है जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण होता है। चलिए इसके एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सोडियम फ्लोराइड का। सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज 11 है, जिसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज 9 है, जिसके के सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम एटम में सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एटम को आसानी से स्थानांतरित कर सकता है। दोनों एटम में एक कंप्लीट सेल होता है, लेकिन जब सोडियम एटम में +1 नेट चार्ज और फ्लोरीन में -1 नेट चार्ज होता है, इसलिए ये आयंस एक दूसरे को डायरेक्ट कोलंबिक इंट्रैक्शन करते हैं। उनके बीच का फोर्स काफी स्ट्रांग होता है। यह X-2 के फॉर्म में वेरी करता है, जहां X आयनों के बीच की दूरी है और यह आयनों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है। इसके अलावा यह असंतृप्त है, यानी कि अनसैचुरेटेड है। एक पॉजिटिव आयन इसके चारों ओर कई नेगेटिव आयन्स को अट्रैक्ट कर सकता है, और प्रत्येक नेगेटिव आयन पर पॉजिटिव आयन द्वारा लगाया गया फोर्स अन्य नेगेटिव आयन्स की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता, लेकिन नेगेटिव आयन एक दूसरे को पीछे हटा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमने इस टॉपिक का नोट्स हिंदी और इंग्लिश में PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक या विषय के बारे में जानना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल ज्ञान पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।